प्लीज एग्जाम टाइम पे इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है 100 मार्क्स अटेम्प्ट ना करना, आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। सीए फाइनल में मेरे को 41 मार्क्स आया था ऑडिट में और 42 मार्क्स आया था इसका में, MICS जो होता है, दोनों में मेरे को इसीलिए 40 क्रॉस आ पाया बिकॉज आई अटेम्प्टेड 100 मार्क्स। मेरे को आता था खाली 80-85 मार्क्स का, बट 15-20 मार्क्स का अपने हिसाब से मैं लिख रहा है, आई थिंक दैट हेल्प मी टू स्कोर दोज एक्स्ट्रा 3-4 मार्क्स इन थियरी, जो अदरवाइज मेरे पास और फेल का बोलते ना बीच का दीवार खड़ा कर सकता था। सो प्लीज एंश्योर टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स। स्लीपिंग एंड ईटिंग स्केड्यूल बहुत सेट होना चाहिए। नेक्स्ट 20-25-30 डेज आपके अगर बचे हो, देन इन दैट केस आपका टाइमिंग एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। कब आप सोने जा रहे हो, कब आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, कब आप खाना कर रहे हो, एवरीथिंग हैज टू बी एज पर अ स्केड्यूल। एक महीना भी अगर लाइफ में डिसिप्लिन और स्केड्यूल के साथ अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, देन इन दैट केस आई डाउट यू विल एवर बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। सो प्लीज फोकस ऑन एंश्योरिंग अ प्रॉपर डाइट एंड स्लीप शेड्यूल। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस कहीं ना कहीं अपन छोड़ देते हैं, लास्ट में अपन एक अलग ही जोन में चले जाते हैं जिसमें राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं, और फिर अचानक एग्जाम में सीधा 100 मार्क का 3 घंटे का पेपर लिखना होता है, बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो प्लीज रोज चाहिए तो 10-15 मिनट लिखो, एक या दो आंसर लिखो, एक प्रैक्टिकल एक थियरी, बट थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस रखो सो दैट एग्जाम में एकदम कुछ नयापन ना लगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू कॉन्सेप्ट या नया सम, जितना हुआ है अच्छा हुआ है।